पनागढ़ के ग्राम भरौदा और आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने धान का भुगतान करने की मांग जिला प्रशासन से की है। किसानों का कहना है कि जनवरी माह में पनागढ़ चंसौरिया वेयर हाउस में उनकी धान की तुलाई की गई थी, लेकिन अब तक किसानों को उनकी धान का भुगतान नहीं किया गया है। पनागढ़ के ग्राम बरौदा और आसपास के किसानों में धान का भुगतान न होने से रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा जनवरी माह में चंसौरिया वेयर हाउस में धान की तुलाई कराई गई थी। नियमानुसार उन्हें एक सप्ताह के भीतर धान का भुगतान कर दिया जाना था, लेकिन एक माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया। मौसम में बदलाव और बारिश से वेयर हाउस के बाहर खुली में पड़ी धान खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन धान को अंदर कराने की समुचित व्यवस्थाएं नहीं कर रहा। किसान भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से परेशान है और ऐसे में अब किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम बरौदा से आया हुआ हूँ। चंसौरिया वेयर हाउस में हम लोगों की धाने जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में तुल चुकी है, जिनका आज तक भुगतान नहीं हो रहा और परिवहन भी नहीं हो रहा है। ऐसा समस्त किसान हम लोग आए हुए हैं और हमारी पीड़ा को ना कलेक्टर समझ पा रहा है ना और उच्च अधिकारी समझ पा रहा है। शासन का 2183 रुपया लगभग रेट था, उस रेट में धान बेची थी। 7 दिन के अंदर राशि आ जाना चाहिए। आज कलेक्टर के पास आए हुए हैं तो कलेक्टर साहब शायद अभी जा चुके हैं, मिले नहीं हम लोगों को। मांग यही है कि हम लोगों का भुगतान किया जाए। किसानों को चोर समझा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चूँकि किसान खून पसीना की कमाई करके वहाँ जो आज इतने दिन से परेशान है, मगर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मेरे भैया धान की पेमेंट नहीं आ रही है, माल नहीं उठ रहा है, माल जमा नहीं हो रहा है, किसानों को भटकाया जा रहा है यहाँ से वहाँ, ये कागज़ ला वो कागज़ ला, किसान कागज़ पे कागज़ फोटोकॉपी करवा करवा जमा कर रहा है, मगर आखिरी में पेपरबाजी ये हो रही है कि ये व्यापारियों का माल है, कहीं किसी का माल है। टोटल मिली भगत अब तो हमें ये समझ में आ रही कि अधिकारी की मिली भगत से ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द धान का भुगतान कराया जाए और खुले में रखी धान को परिवहन कर अंदर करने की व्यवस्था की जाए।